डिस्कशन हम लोग का था एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का हमने सिर्फ आपको जो बेसिक फॉर्मूला था उसको हमने बता दिया था। चलिए लिखिए। तो उसी में पहला आपका जो की पॉइंट्स आएगा लिखा जाए। डायग्राम आपका क्या था ध्यान दीजिएगा। ये आपका डायग्राम था जिस पे हम लोग एवरेज स्पीड निकाले थे, और एवरेज स्पीड इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टी वन प्लस, मैंने बताया था ना। चलिए लिखा जाए। अब इफ अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, If a body moving with constant speed, that is, constant speed बोलते किसको है ये है ना, that is equal distance covers in equal interval of time। तो चल हेयर x1 = x2 = x मान लेते हैं, एंड t1 = t2 = t मान लेते हैं। तो देन एवरेज स्पीड जब निकालोगे तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है हमारा अभी, x1 + x2 t1 + t2। तो x + x / t + t, तो 2x / 2t, 2 से 2। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू आप गया आगे आपका x / 2, और ये आपका बॉडी के एक्चुअल स्पीड के इक्वल है। हाँ या ना, किसके इक्वल है। तो याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ा रहा था कॉन्स्टेंट स्पीड, तो मैंने बताया था ना कि व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड देन द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉडी। आ गया। फिर चलिए इसके बाद दूसरा आपका केस यहाँ पर आ जाएगा कि व्हेन when a body covers equal distance with two different speed, यानी दो इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर्स टू इक्वल डिस्टेंस, मैं यहाँ कर देता हूँ है ना, टू इक्वल डिस्टेंस विथ टू डिफरेंट स्पीड। इसका मतलब आपका एक्स, ये आपका ओ, ये आपका ए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो O से A का जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल कह रहा है, यहाँ से हमने इसको इक्वल मान लिया। ये भी मान लीजिए x है और ये भी आपका x है, लेकिन फर्स्ट वाले x को मान लीजिए v1 स्पीड से और सेकेंड वाले x को v2 स्पीड से बॉडी के द्वारा कवर किया गया, तब आपका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ या ना। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका x + x, लेकिन टाइम क्या होगा,
स्वाभाविक है यहाँ आपका V1 से चल रहा है तो इसके द्वारा जो कवर किया गया वो T1 टाइम और यहाँ पे T2 टाइम, लेकिन टाइम आपको यहाँ गिवेन नहीं है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे X1 प्लस X2 T1 प्लस T2, तो X1 इक्वल टू भी X है और X2 इक्वल टू भी X है। अब T1 निकालना है तो स्पीड इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या पढ़े हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन तो X by V1 X by V2। चलो तब यहाँ ध्यान दो, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में तो आपका 2x है ही, आपका यहाँ देखिए तो V1 और V2 को LCM ले लोगे, V1 और V2 LCM आ जाएगा, हाँ या ना, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ V2x प्लस V1x। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे ध्यान देना है इसको, अब आपका ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में, हाँ या ना, तो 2x V1 V2 और क्या मैं यहाँ x कॉमन ले लूँ तो V1 प्लस V2 x x, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला आ गया V1 V2 बटा V1 प्लस V2। व्हेन अ बॉडी कवर्स, इसका मतलब हो गया कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन टू डिफरेंट या टू अनइक्वल वेलोसिटीज या अनइक्वल स्पीड, देन द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। समझ में आया, नोट करा जाए। बताएं अब देखो तो अब दूसरा हमारा यहाँ पे केस आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि दो इक्वल डिस्टेंस को हम लोग दो अनइक्वल स्पीड से हमने कवर किया है। ये भी तो केस हो सकता है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स when a body covers two unequal distance in two unequal distance with unequal speed, हाँ या ना, तो चलिए अच्छा मेरा ये x का मेंशन करने का मतलब मोशन इन वन डायमेंशन, आप y भी लिख सकते हो यहाँ, z भी लिख सकते हो, ये आपका a पोजीशन, आपका b पोजीशन, बात करते हैं यहाँ से यहाँ आपका x1 और यहाँ से यहाँ आपका x2 और ये आपका v1 और ये आपका एवरेज स्पीड जब निकालिएगा तो आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, तो अब तो यहाँ पे तो आपका X1 प्लस X2 और डिवाइडेड बाय, आपके पास तो यही ऑप्शन है ना करने का, क्योंकि टाइम तो दिया हुआ है। तो देखिए X1 प्लस X2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाय X1 V2 प्लस X2 V1, हाँ या ना, नहीं बोल रहे हो, अच्छा एक तो ये, दूसरा इसमें चौथा केसेस की हम लोग बात करते हैं कि अब हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, अ बॉडी कवर्स टू अनइक्वल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी V1 फॉर टाइम T1 एंड विथ वेलोसिटी V2 फॉर टाइम T2, यानी बॉडी ने दो, मतलब कि जो दो डिस्टेंस को कवर किया है, एक डिस्टेंस को V1 स्पीड से चल के T1 टाइम तक और एक डिस्टेंस को V2 स्पीड से चल के T2 टाइम तक, तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ मेंशन करता हूँ, ये आपका x, ये आपका o, मान लीजिए ये पोजीशन a, ये पोजीशन b, तो बात करते हैं कि T1 टाइम और यहाँ का T2, ये आपका V1 और V2। इस कंडीशन में जब आप एवरेज निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस ध्यान देना है आपको कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ना, तो T1 प्लस T2। चलो नोट करो, तो अब चलिए, तो आपको टू अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
तो इसके लिए फॉर्मूला आपको मिला ही हुआ है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू, टू इक्वल सुनो टू इक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्स प्लस एक्स बाई टी वन प्लस टी टू, टू एक्स बाई टी वन प्लस टी टू है ना। और यूनिफॉर्म की बात है तो जो उसका एक्चुअल होगा वही एवरेज होगा। और तीसरी बात कि अगर मान लीजिए दो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल, अच्छा एक 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 और यहाँ पे बात आ जाएगी, दो अनइक्वल डिस्टेंस को अगर इक्वल वेलोसिटी से कवर किया जाए, इट मींस कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ है ना। देखो कैसे, यहाँ पे मैं बताऊँ रफली, अगर मान लीजिए कि दो इक्वल डिस्टेंस, दो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल वेलोसिटी से, तो एक्स वन प्लस एक्स टू और डिवाइडेड बाय आपका क्या एक्स वन बाय भी और फिर एक्स टू बाय, तो क्या लोगे एलसीएम जी, तो एक्स वन प्लस एक्स टू ही ना आएगा, ये भी तो आपका कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए तो एक्स वन प्लस एक्स टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो बॉडी का एवरेज स्पीड होगा वो एक्चुअल स्पीड के इक्वल होगा। व्हेन अ बॉडी कवर्स टू अनइक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल स्पीड, इट मीन्स दैट कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉडी, समझ गए। चलो तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस रहेंगे इसी आधार पर, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे केसेस का डिस्कस कर दिया। अ जॉगर फर्स्ट रन्स 100 मीटर, जॉगिंग करने वाले को ना जॉगर कहते हैं, जे ओ डबल जी ई आर, अ जॉगर फर्स्ट रन्स 100 मीटर, फर्स्ट रन्स 100 मीटर एट 4 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट रन्स 100 मीटर एट 4 मीटर पर सेकेंड एंड देन ही रन्स 200 मीटर एंड देन ही रन्स 200 मीटर एट 8 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन, एट 8 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन फुल स्टॉप, फाइंड हीज एवरेज स्पीड। देखो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चंस में कह रहा है कि जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 मीटर का, तो उस समय उसका जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, और फिर कह रहा है कि जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 मीटर को है ना, तब उसका जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज स्पीड आपको पूछ रहा है निकालने के लिए, क्या बताएं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आपका 100 और टोटल टाइम की बात करेंगे, 100 प्लस 200 ना, और टोटल टाइम तो क्या 100 बाय 4 और प्लस 200 बाय 8, ये भी कट के आपका 25 और ये भी कट के आपका 25, तो 300 बाय 50 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन इसको नोट कीजिए, लिखिए, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ एंड रेस्ट हाफ ऑफ रेस्ट हाफ डिस्टेंस एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर,
अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फुल स्टॉप द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी। चलो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझो, कह रहा है आपका कि टोटल मान लो डिस्टेंस कार के द्वारा जो कवर किया जा रहा है, सुन रहे हो ना, उसमें कह रहा है कि आधे डिस्टेंस को, यानी बोले तो अगर टोटल एक्स तो एक्स बाई टू को कितना से कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट हाफ को कितना, 60 किलोमीटर पर आवर से। अभी मैंने तुरंत आपको केस पढ़ाया कि व्हेन अ बॉडी कवर्स टू इक्वल डिस्टेंस विथ टू डिफरेंट स्पीड, है ना। तो यहाँ पे x1 और x2 तो इक्वल है, लेकिन 60 और 40 इक्वल है क्या? तो यानी इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो डायरेक्ट आपको इस कंडीशन का क्या फॉर्मूला है, v1 plus, अरे बताए ना, तो 2 × 40 × 60 / 40 + 60 कितना जाएगा, 4800 / 100 कैंसिल, तो कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर, नोट करा जाए, थोड़ा स्पीड रखेंगे तब होगा। लिखो क्वेश्चन, अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ए बी ऑफ 2 किलोमीटर, a boy covers a distance a b of 2 किलोमीटर with a speed of 2.5 किलोमीटर with a speed of 2.5 किलोमीटर पर आवर कॉमा while going from A to B and comes back from B to A, while going from A to B and comes back from B to A with a speed 0.5 km per hour, full stop, his average speed will be, चल रहे यहाँ ध्यान दे, A to B, सुनो, एक boy जो है वो A to B जब जा रहा है, कह रहा है आपको a boy covers a distance AB 2 किलोमीटर with a speed of 2.5 किलोमीटर पर आवर while going from A to B, जब A to B जा रहा है तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, अब B पे पहुंच के व्हाटएवर जो उसका काम था वो रिटर्न हो गया, क्या अब जो रिटर्न हो रहा है वो कितना स्पीड से हो रहा है, 0.5 किलोमीटर पर आवर, अब कह रहा है इसका एवरेज स्पीड, सुनो जितना दूर A से B है उतना ही आपका B से, इक्वल डिस्टेंस विथ टू डिफरेंट वेलोसिटी, लगा दो एवरेज, क्या फॉर्मूला लिखे, 2v1 तो 2.5v2 0.5 और फिर आपका 2.5 + 0.5, अरे हाउ मच, क्या बोलो कितना, क्या ऐसे कर रहे हैं क्या, बोलो, हाँ 2.5/3 कितना आ जाएगा आंसर, बोलो 0.833 किलोमीटर पर आवर। लिखो ऐसे ऐसे, उंगली चलाने से नहीं होता है, कैलकुलेशन करने से होता है, जल्दी कर। अगला क्वेश्चन, अ मोटर कार कवर्स 1/3 part ऑफ टोटल डिस्टेंस with v1 equal to 10 किलोमीटर पर आवर कॉमा सेकेंड वन बाय थर्ड पार्ट with v2 equal to 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट 1/3 part यानी बचा हुआ 1/3 part एंड रेस्ट 1/3 part
एंड रेस्ट वन बाय थर्ड पार्ट विथ वी थ्री इक्वल टू विथ वी थ्री इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर विथ वी थ्री इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर फुल स्टॉप. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? चल बनाओ. तो वेरी सिंपल, देखो यहाँ से अगर मान लो कोई टोटल आपका एक्स डिस्टेंस है ए से बी, सुन रहे हो ना रे, ए टू बी, कह रहा है कि 1/3 यानी एक्स बाई थ्री तीन पार्ट में इस डिस्टेंस को कार अलग अलग वेलोसिटी से कवर किया है. फर्स्ट वाले को कितना? 10 किलोमीटर पर आवर. दूसरा को कितना? और तीसरा को कितना? 60 किलोमीटर पर आवर. अब आपको पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, होता है ना. तो टोटल डिस्टेंस हाउ मच? एक्स बाई थ्री, तीनों एक्स बाई थ्री को ऐड कर लेंगे. अब टाइम टोटल हमारा, तो टाइम तो दिया हुआ नहीं है, स्पीड दिया हुआ है, तो हम लोग टी वन कैसे निकालेंगे? एक्स वन बाय वी वन. फिर चलो X2 by V2 हाउ मच? ये तो 10 न था रे, और ये आपका 20, और ये आपका X3 by 16 ना. तो चलो ये आपका ऊपर में आपका X आ गया, हाँ या ना. अब मैं X/3 यहाँ कॉमन ले लूँ तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/X, X कट गया. चलो 1/1/3 यहाँ पे LCM कितना आएगा? 60 आएगा. 6 + 3 + 1 आएगा रे, तो देखो तो ये आपका 60 और 3 180 ऊपर आ जाएगा. ये आपका कितना आ गया? 10 कैंसिल, 18 किलोमीटर पर आवर. चलो नोट करो जल्दी, बताऊं, लिखो क्वेश्चन. अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड. अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड. A car travels along a straight road. For the first half time of journey, with a speed of 10 km/h. And the next half time with a speed of 30 km/h. And the next half time with a speed of 30 km/h. Full stop. The average speed of the car during the journey is. Note कर लिया. बनाओ तो. गलत. हाँ. चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ो. कह रहा है आपको कि एक कार जो है वो एक मान लो कि जो पूरा एक पूरे अपने जर्नी को हाफ टाइम में इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी आधा समय जो है, अगर टोटल टाइम टी लगा तो हाफ टाइम वो कितना चलता है? किलोमीटर पर आवर. अगला हाफ टाइम 30 किलोमीटर पर आवर. अब चलो हम लोग के पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हाफ नहीं कह रहा है, जर्नी में जो टोटल समय लगा उसका हाफ कह रहा है. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड इनटू टाइम, तो चलो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एक्स वन के जगह पे 20 × t/2 और 30 × t/2 और यहाँ पे t/2 + t/2 अरे नहीं बोल रहे हो. तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो के आपका 10 और ये कैंसिल हो के आपका 15. टी कॉमन ले लें तो 10 + 15 और डिवाइडेड बाय आपका ये कितना रे? t/2 + t/2 टी ना, टी से टी कैंसिल कितना आ गया? 25 किलोमीटर पर
आवर, समझ गए? इसको ऐसे समझो, फिर से मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, ध्यान दो। अगर एक बॉडी के द्वारा पूरे जर्नी का आधा समय, तो मान लो दो इक्वल टाइम बात करते हैं, आधा समय टोटल टाइम टी टू लगा, तो आधा आपका टी, आधा आपका टी। मान लो वी वन स्पीड से टी टाइम तक चला और अगला फिर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वी टू स्पीड से फिर से टी टाइम चला, तो क्या हम लोग थ्योरम पढ़े हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो मान लो तुम्हारा टी वन और टी टू भी इसको मान लेते हैं, मान लो इस समय ये एक्स वन डिस्टेंस को कवर किया, ये एक्स टू को, तो क्या लगाओगे? एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टी वन प्लस, अब देखो एक्स वन का वैल्यू तुमको दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ क्या है? वी वन और टी वन, तो एक्स वन इक्वल टू वी वन टी वन होता है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो वी वन टी वन, और फिर आपका यहाँ से वी टू टी टू, और डिवाइडेड बाई क्या? टी वन प्लस टी टू। अब यहाँ पे मामला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये टाइम इंटरवल जो है ना वो आपका इक्वल है, यानी आधा आधा है, तो यानी जितना टी वन है उतना ही टी टू है। तो अब जब एवरेज स्पीड निकालोगे तो वी वन टी प्लस वी टू टी डिवाइडेड बाई टी प्लस टी, अरे हाँ या ना, वी वन प्लस वी टू टी कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड बाई टू टी, टी से टी कैंसिल, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना आ गया? वी वन प्लस वी टू बटा टू। यहाँ पे तो डायरेक्ट अगर हम लोगों को निकालना होगा तो 20 प्लस 30 और डिवाइडेड बाई टू कितना आ गया? 25 किलोमीटर पर आवर। इस पर भी नहीं जाएंगे, समझ में आया? नोट करो सब, नोट करो जल्दी, इतना जल्दी अभी नहीं, अभी तुम लोग के दिमाग का जंग छुड़ाना है। काइनेमेटिक्स में क्लास नाइन्थ में पढ़ना था लेकिन वहाँ पढ़े नहीं होगे। हाँ क्या बोला? हाँ दोनों नोट करो, नोट करो, पढ़ो, इसीलिए कहते हैं अ कार ट्रेवल्स फॉर द, अ कार ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट वन थर्ड ऑफ द टाइम ऑफ जर्नी, अ कार ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट वन थर्ड ऑफ द टाइम ऑफ जर्नी, समझ गया? यानी पूरे समय का, अरे पूरे समय का वन थर्ड, सुन रहा ना, विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फिर से लाइन मिलाओ, अ कार ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट वन थर्ड ऑफ द टाइम ऑफ जर्नी विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट वन थर्ड ऑफ टाइम, एंड नेक्स्ट वन थर्ड ऑफ टाइम विथ ए स्पीड, एंड नेक्स्ट वन थर्ड ऑफ टाइम विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट वन थर्ड ऑफ टाइम विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and rest one third of the time with a speed of v full stop. If the average speed of the car during journey, if the average speed of the car during journey is 26 kilometer per hour, during journey is, if the average speed of the car during journey is 26 kilometer per hour, comma, then find the value of v, कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे कैसे सर, वेरी सिंपल, तो कह रहा है टोटल जर्नी का वन थर्ड टाइम स्पेंड कर रहा है कितना के लिए रे, अच्छा नेक्स्ट वन थर्ड 30 किलोमीटर पर आवर, आ कह रहा है कि जो लास्ट का जो है ना वन थर्ड, हाँ नहीं भी, और कह रहा है एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना है 26, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं, ये होगा, चेक कर दें, देखो
एवरेज स्पीड इक्वल टू, मान लो ये तुम्हारा क्या है x1 डिस्टेंस, ये t1 टाइम, तो तीन पार्ट में ना x1 प्लस x2 प्लस x3, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो चल x1 इक्वल टू क्या, v1 t1, अरे नहीं बोल रहा है, अरे v2 t2, अरे v3 t3, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, v1 का वैल्यू हाउ मच, अब रहने देना, अभी इसी पे कैलकुलेशन करते हैं, v1 और t का तो तीनों का वैल्यू सिमिलर ना है, तो v1 t, v2 t, v3 t, और t प्लस t, देखो यहाँ t कॉमन ले लेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3t, कैंसिल, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3 इक्वल टू एवरेज स्पीड आया, लिख दिया मैं यहाँ, तो 26 इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस भी बाय 3, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा रे, नहीं बोल रहे हो रे गधा सब, 78 आएगा, और ये 50 प्लस भी इक्वल टू कितना 28 किलोमीटर पर आवर, तो 38 बोल रहा है। हाँ।